शरबत मन सौदाए दूर मैं तुझसे हूँ ना रब लबया ना तू पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी आ गई है वो नाजिया लड़के फिर से आके बैठी हुई है बाहर वो कमीना तो हर रोज मार के निकाल देता है मैं तुझे कह रही हूँ ना चुप कर तू तेरा बाप आएगा ना तो खुद पूछेगा उस कमीने को तेरी तो शादी मैं है बहुत छेती कर दूंगा मैं कोई गाय बकरी भैंस भी जा हो अकदे घर में चली जाऊंगी आपा तूने और माँ ने अगर मेरी उसके साथ शादी ना कराई वो तो मैं जहर की पूरी बोतल पी लूंगा नहीं साजिद रुक जा मेरी बात सुन साजिद हमेशा बेटी के बारे में सोचते कभी बेटे के बारे में भी सोच लिया ठीक है यार खाला राजी है जी अब्बा मान गया चलो अच्छा होया पुत्र मुबारक हो जी तैयारी पढ़ो तुसी मुबारक होए बना रही हूँ तेरे लिए पी ले आके चल बस करना किससे पूछ के मेरा रिश्ता तय किया मुझे कोई बताया कि मुझसे पूछा है किसी ने अम्मा मैंने शादी नहीं करनी मैंने पढ़ने आके बस बस बहुत पढ़ लिया तूने तेरे बाप और भाई का फैसला मान ले अम्मा तू जानती है ना उसका चाल चलन कैसे जानती है ना तू किस किस्म का लड़का है चार गांव तक उसकी बुराई फैली है हर लड़की उसकी बुराई करती है एक नंबर का आवारा है समझाया था तेरे बाप को लेकिन वो कह रहा था कि तू खुश रहेगी और देखना अब तेरे जोड़ का कोई बरादरी में है भी तो नहीं तेरे बाप की चचा जात बहन है उससे वाली है कोई बात नहीं तू तो समझदार है ना वेखेना है तू अपनी समझदारी से उसके बेटे को रास्ते पर ले आएगी तुझे क्या लगता है अम्मा कि मैं नाजिया की तरह हूँ तू चाहती है मैं नाजिया जैसी बन जाऊँ की बात सब ठीक हो जाए मेरी बात सुन तू चाहती है मेरा हाल नाजिया वाला हो भूल है तुम लोगों के नाजिया की तरह नहीं रोज पिट के घर आ जाऊंगी चुप करके बैठ जाऊंगी एक बार भी किसी ने मेरे पे हाथ रहा ना चीर के रख दूंगी मैं उसे पता नहीं की घोल के पिलाया तेरे बाप को तेरे भाई और भाभी ने वो तो राजी नहीं था इस रिश्ते पर लेकिन क्या मतलब है ओ अच्छा तो ये सारा खेल भाई और भाभी का है ये इस नागिन ने किया है पूछती हूँ मैं इस नागिन से कि किस चीज का बदला ले रही है मुझसे वैसे तो मेरे में बड़े ऐब है भाई की शादी के लिए मैं ही नजर आई थी इसे और रह जा रुक जा बिना गाल अम्मा तू चुप कर तू देख मैं इसका हशर क्या करती हूँ निकल बाल नागिने मिस नहीं जाए ना होते नहीं बगैर ते किस तरह मुंह चुक कर के हमारे कमरे में घुस गई है जैसे मुंह चुक के तू मेरे घर में घुस गई है बिशर्मे परजाई ये तमीज न लगा कर बिशर्म जाई रहने दे रे मैं ये तो रोज मेरे साथ ये करती मैं तुझे बताती नहीं हूँ अच्छा अगर मैं इतनी बदतमीज और बेहया हूँ तो अपने भाई का रिश्ता किस चक्कर में लाई है तू मेरे लिए हमदर्दी कर रही हूँ तुम लोगों के साथ बोझ काम कर रही हूँ पता है मुझे तेरा और मेरे साथ हमदर्दियाँ करने की जरूरत नहीं है और सुन ले भाई इधर शादी नहीं करूंगी मैं फिर सारी जिंदगी बोझ बन के हमारे सर पे रहना है तूने मसा नाजिया को घर से निकाला है अब तेरी बारी है निकल यहाँ से तो नाजिया का बोझ कौन सा उतर गया हर दूसरे दिन बाप मार खा के वो आ जाती है और मैं नाजिया नहीं मैं बता रही हूँ मेरे साथ अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ क्या करेगी तो देखी मैं क्या करूंगी मुझे बता क्या करेगी तुम क्या किसको दे और तू क्या बुरा पिंड देखेगा बस करती है तू बगैरत जाई जुबान ही नहीं तेरी रुकती
तेरी जुबान अपने मुंह में भी रखा कर, बाहर ही पड़ी रहती है मुंह से, बकवासें करती फिरती है पूरा दिन। ना मारने की क्या लोड़ थी, पूरा घर सर पे उठाएगी। अब तू भी अरमान कर लिया करना, तेरी भी जुबान नहीं रुकती। देख हम औरतों के नसीब में यही होता है, मत रो मेरी बहन, गाय भैंसों की तरह मर्जी पूछे बगैर हमें हांक दिया जाता है। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। मैं नाजिया नहीं हूँ, फौजिया बतौल हूँ मैं, तो देखिए मैं क्या करती हूँ। सर पकड़ कर रोएंगे सारे। फौजिया कसम खा के तू कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि अम्मा अब्बा को पिंड में शर्मिंदा होना पड़े। मेरी जिंदगी जो मर्जी करूं मैं, जबरदस्ती की ना किसी ने तो भुगतना पड़ेगा सबको। क्या करेगी तू है? तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूंगी, तेरे जैसी जिंदगी नहीं गुजारूंगी मैं। फौजिया मुझे तेरी बातों से बड़ा खौफ आता है मेरी बहन, क्या करने लगी है तू? मेरी जिंदगी के बारे में ना सोचा इन्होंने, मैं भी नहीं सोचूंगी इनके बारे में। तू देखे मैं करती क्या उनके साथ। रोटी और गुड़ लेके आई हूँ, अम्मा ने रखी थी हांडी भी ऊपर, खाना नहीं तैयार। पूरे मोहल्ले में ना तेरी भाभी के घर वालों ने मिठाई बांट दी है, सबको पता चल गया कि तेरी साजिद के साथ ना बात पक्की हो गई है। लग जाए पता मुझे इससे क्या, मैंने कौन सी शादी करनी है? बेटों से मिठाई बांटे, खाने खिलाए। ले तेरे अब्बे ने जबान दी है तो क्या तू इनकार कर देगी? अब्बे ने जबान दी है ना, अब्बा जाने वो जाने, मेरी जिंदगी है। ये क्या कह रही है तू, क्या तू वाकई रिश्ते से इनकार करेगी? हाँ कर दूंगी, निकाह वाले वक्त भी करूंगी। तो देखी ये सारा ड्रामा इनके सर पे रहना पड़ा तो मेरा नाम भी फौजिया बतूल नहीं। क्या करेगी तू? मैं तो वक्त ही बताएगा तो मैं क्या करूंगी। तुझे लड्डू खिलाते फिर ना पूरे पिंड में, ऐसे हलक में ना जहर बन के उतरेंगे, इससे तो कुछ नहीं बनना। चलिए मैं देख के आती हूँ, मैंने खाना बनाया इसने। पर मेरी बात तो सुनना, छठ पड़ा फजूल बातें होना तो वही है सहेली जो फौजिया बतूल ने जाना है। छठ आ रही हूँ मैं। चल यार शहर चलते हैं। ओए क्या कह रहा है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ओ यार तेरी मंगनी की खुशी में को चल के स्टेज ड्रामा ही देख लें। ओए छोड़ यार शहर नहीं जाना, और मेरा शहर जाने को दिल नहीं कर रहा। और तू तो वैसे ही रह गया, अभी तो मंगनी हुई है, शादी होगी तो क्या हाल होगा तेरा। वैसे है कब शादी? ओ माँ जी तो कह रहे थे कि वो 3 महीने में लड़की दे देंगे, पर इतना इंतजार किसने करना है। ओ मैंने उसको जल्दी ले आना है। हाँ और ये बता तेरी मंगेतर से मुलाकात हुई है बात पक्की होने के बाद? ओ ये कौन सी बड़ी बात है, ओए वो तो अपनी चीज है, वो जब दिल करेगा उसको रोक लेंगे और पूछेंगे कि बता सोनिया तेरा क्या प्रोग्राम है। क्या बात है, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। मसरूफ थी थोड़ी। नीनी क्या मसरूफ थी, भूल गई हमें? मंगनी हो गई मेरी।
क्या मुझको जहर लगता है मुझे लफंगा अंगूर का। तुमने हाँ क्यों की? मेरी भाभी का भाई है, ऊपर से बरादरी का है। अम्मा अब्बा ने जबरदस्ती कर दी, मैं कहा हाँ करना चाहती थी तो और जाना था, मना कर देती। पसंद नहीं है तुझे फिर? हाँ तो अब अड़ गई हूँ ना, बता दूंगी सबको मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी मंगनी हुई है, शादी तो ना हुई। एक बात पूछूं इससे? पूछ। क्या पसंद है तुझे? एक बंदे में किस तरह की चीज चाहिए तुझे? कोई पसंद है भी तेरी? मैंने बस चाहती हूँ मुझे ना कोई खुश रखे, मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दे, मैं जो बनना चाहती हूँ वो सब करने दे मुझे। एक अच्छी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी चाहिए। तू क्या चाहती है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, टीवी पे काम करना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। देख फौजी, मुझे पहले भी दसिया सी तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता, एक बार आजमा के देख ले। सोच के बताओ। कितने बाद आई है? शॉपर बनाता हूँ तेरे लिए, खाली हाथ ना जा। ये पसंद है तुझे? तो सच कह रहे हैं? मेरी आंखों में देख के बता, झूठ बोल रहा है मैं? धोखा तो नहीं देगा? कभी भी नहीं। दिमाग ठीक है तेरा? कौन? अमामदीन की बेटी फौजिया? वो जो नई है? हाय अल्लाह, कल को कहेगा कि कसाई की बेटी से मेरी शादी कर दे। ओ, उसके मंगनी के लड्डू तूने खाए नहीं पिछले हफ्ते? नहीं नहीं माँ, वो मंगनी उसकी मर्जी से नहीं हुई। तुझे कैसे पता? कोई चक्कर वक्कर? नहीं नहीं माँ, कोई चक्कर चक्कर थोड़ी है। देखना कभी कभी वो दुकान पे आती है चूड़ियाँ शूड़ियाँ लेने, बड़ी चंगी लगती है, तो बात कर लेना प्लीज। प्लीज हद हो गई, तू भी कमाल मुंडा है, एडी लंबी जुबान है उस कुड़ी दी, सारे महल्ले को पता है।
अपनी हैसियत देखी है, उसकी हैसियत देख ले। देख अम्मा, मुझे कुछ नहीं पता, शादी करूंगा फौजिया से बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। कमाल करना, चला हो गया, पागल है तू? बिल्कुल ठीक है मैं, कोई पागल वागल नहीं हुआ। देख अम्मा, तू मेरा रिश्ता लेके फौजिया से घर नहीं गई ना, तो मैं की दुकान बंद कर देगा, दुबई चला जाऊंगा पाई दे कोल, बस, और चिट्ठी में लिखांगा। चल चल, बल्कि जान शान दे देगा, मैं जान शान दे देगा, ट्रेन की पटरी लेट के जान दे देगा, बता रहा हूं। तू पागल हो गया बिल्कुल ही। मैं ठीक है, पागल हो गया मैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, शादी करूंगा तो फौजिया से करूंगा बस, मेरे से फौजिया पसंद है, सिर्फ फौजिया पसंद है मैनू। दिमाग हो गया खराब, सोना पुत्र भी ना दवे किसी नु, अल्लाह सारा मोहल्ला ही पिछे पै गया, मुसीबत ना होए ते फौजिया ना हो गई, एक मुसीबत हो गई। बाल तो देख कैसे रूखे पड़े हैं तेरे फौजिया, मेरी एक बात तो सुन है, चॉइस आपकी हवेली तो चली जा। क्यों, खैर है? हाँ हाँ, बस खैर ही है, थोड़े पैसे लेकर आने हैं उनसे, मैंने मांगे थे तो कह रही थी कि फौजिया को भेज देना। अम्मा पैसे मांगने वाले काम में मैं याद आ जाती हूँ, मैं शक्ल से फकीर लगती हूँ तुझे? हाय हाय, तबा कर, ऑल फॉल बकती रहती है तू, तू जरा बातें बना लेती है ना, इसलिए भेज रही हूँ तुझे। अम्मा पैसे मांगने मैंने नहीं जाना, मैं बता रही हूँ, शर्म आती है मुझे। शर्म वाली कौन सी बात है, हैं? आई वड्डी शर्म वाली। अम्मा पैसे मांग रहे, मैंने नहीं जाना। और जाएगा तो तेरा प्यू भी, तो फिर प्यू में भेजो। मत जुती। अम्मा मारी ना, मेरा दर्द होता है। गैरत ना होए थे, अपनी मर्जी हो ना, सारे जमाने में आवारा गर्दी करती फिरती है, मैं काम कहूँ तो मौत पड़ती है तुझे। इतनी बड़ी होगी, उसकी बहू आ गई, उसके सामने पैसे मांगते हुए अच्छी लगूंगी? और जाएगी तो तू जरूर। अम्मा पैसे मांगने मैंने नहीं जाना। चल जा, जाके गुत बना लेकर आका। मैंने जाना, तेरा प्यू भी। फौजी ये रख ले, घर जाके माँ को दे देना, वो तेरी कोई खुशी करनी चाह रही है। ओ तेरी होने वाली सास भी आई थी मिठाई देने। चुदराएं जी, मैंने नहीं करनी शादी उधर। क्यों, क्या बात है, लड़का नहीं पसंद तुझे? पसंद? एक नंबर का लफंगा है वो, सारा दिन वो जो टीचर से रिक्शा नहीं रखा हुआ ले लेके घूमता है, कोई सवारी नहीं बिठाता, कुछ नहीं कमाता, आती जाती लड़कियों को छेड़ता, पूरा पिंड उसे तंग आया हुआ है, और अम्मा मेरी उससे शादी करना चाहती है। ऐसा लड़का है तो फिर तेरी माँ क्यों उससे शादी कर रही है तेरी? दुरानी जी, तुझे मन कौन है, तुझे कौन है तो मेरी शादी ना करे। अच्छा अच्छा, बस भी कर, कर लूंगी बात उससे। अरे बस करना, कह रही हूँ बात कर लूंगी तेरी माँ से। अच्छा लस्सी लाऊं ठंडी? जा ले आ। ले पकड़ पैसे, पता होता ना मेरी रस्म के लिए मंगवाए, मैं कभी भी ना जाती। और रस्म के लिए मंगाए हैं, जनाजे के लिए नहीं मंगाए, जो तू इतना नाराज हो रही है, पागल ना हो तू? अम्मा सच बता, सच बता, तुझे मुझ पे तरस नहीं आता है? अम्मा मैं इस फंगे से शादी नहीं करना चाहती, मैं नहीं राजी। और तेरे बाप और भाई का फैसला मैं क्या करूं, बता। अम्मा तो बाबू समझाना, उसे बता मेरी मर्जी नहीं है। बहुत समझाया है उसे, वो कहता है शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, तेरा भाई भी तो ऐसा ही था ना, हो गया ना ठीक? तो फिर ठीक है अम्मा, मैं भी ना अपनी मर्जी करूंगी। क्या करेगी तू, बोल बता, नाक कटवाएगी, जलील कराएगी मुझे, बोल। तू देख ले ना अम्मा मैं क्या करूंगी, सब देखेंगे, फिर ना कहना मैंने बताया नहीं है। अस्मा जरा बात सुन। क्या है मासी आई? क्या हुआ?
अपने भाई को समझा ले, उसने आइंदा मेरी बेटी या गांव की किसी लड़की का रास्ता रोका ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक मिनट अम्मा, जरा आराम से है। मेरे भाई का नाम लेने से पहले ना 100 बारी सोच ले तू, क्या किया मेरे भरा ने है? अपनी बेटी को नहीं देखती है, इतनी वो हमारा है, सारी गली के लड़कों को छेड़ती है वो। असमा अपनी जबान को लगाम दे, वरना वरना क्या क्या करेगी तू है? दबाव फैलाम के इधर आ जाएगी हमारे घर के अंदर, आ जरा आ, मार के दिखा मुझे क्या करेगी तू। मैं देखू तेरी बुढ़ी हड्डियों में कितना दम है। और बड़ा दम है मेरी बुढ़ी हड्डियों में। अपने भाई को जरा सामने ला, दम ना निकाल दिया तो फिर कहना। आहा, आई बड़ी, मेरे भाई का दम निकालने वाली तेरी जैसी कई आई ना। मेरे भरा का दम निकालने से पहले मैं तेरा ना साक उठ दूंगी। जाके संभाल अपनी लड़की को, बगैरत आवारा लड़की है तेरी। ओ तू बकवास बंद कर अपनी, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। आ नोच के बखा मेरा मुंह, आ रहा अंदर, जरा मैं तुझे बताती हूँ। नी असमा बस कर दे, जा पहन, माफ कर दे, मैं समझाती हूँ इसे। मैं क्यों बात सुनू इसको, समझाना मुझे क्यों समझाने लगी है? इसको समझा दो, यहाँ पे आके रोले डाल रही है। इधर आ तू, तू भी अपनी आंखें और कान खुले रख। लड़कियां इतनी हल्की नहीं होती कि ऐसे लुच्चे लफंगों से ब्याई जाए। ना तू जाती है कि मैं मारू बाल्टी खींच के तेरे सर के अंदर। जा अपना काम कर, आई तो बड़ी, जा यहां से, जा तू, जा यहां से। तेरे पे मोर पे खड़ी होगी है पैड़ी बूथी। नहीं अस्मा, तू भी ना अपने भरा को समझा। पहले की बात और थी, अब फौजिया के साथ मंगनी हो गई है उसकी, अब तो ये सारा कुछ छोड़ दे वो। मैं क्या सब कुछ छोड़ दे अम्मा, उसने किया क्या है और साजिद का क्या कसूर है? है भी तो ऐसा शी जवान, सोना बिल्कुल, सारी लड़कियां गांव की खुद मरती हैं उसके पीछे, और इसकी लड़की वो तो है ही एक नंबर की आवारा। चल ना ठीक है, फिर भी समझा उसे, फौजिया के बाप को पता चलेगा ना तो नाराज होगा वो। अम्मा तू खाम खा परेशान हो रही है, अब्बे ने कुछ नहीं कहना, अब्बे को भी सब पता है, और मासी का क्या काम है? ये मासी तो पागल है, आके बातें लगाती, तू किसकी बातों में आ रही है? ओ अस्मा, जहां आग होती है ना पांबड़ वहीं उठता है। अम्मा मर्दों के पांबड़ तो उठते ही रहते हैं, ब्याह हो जाता है ना तो सारे ठंडे हो जाते हैं। अब रीमे को देख, कैसा सही किया मैंने उसको। हाँ कहती तो तू ठीक है, अब देख ले रीमे को कैसे आगे लगा के रखा है। रहन दे अम्मा, तुझे तो मैं और मेरे कार वाले जहर ही लगते। बात करती है तो फिर जवाब सुनने का हौसला भी रखना। मैंने अस्मा से बात की है, अपनी माँ से बात करेगी। मैं तो खुद ये कहता हूँ इसकी रुखसती कर देते हैं। मैं ना आबिद के साथ भाग के शादी करूँ, तू देखी। इतनी बड़ी बड़ी बातें तू कैसे इतनी आसानी से कह जाती है? मैं इतनी आसानी से कर भी जाऊंगी, देखी सर पकड़ के रोएंगे सारे। क्या सोचा था, मैडम की तरह गाने गाऊंगी, मॉडल्स की तरह नजर आऊंगी। ले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी सोनी है तू, कर ले। कैसे कर लूं पिंड में रहते हुए? मैं कराऊंगा तुझे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बस वहां के देख ले एक बार बस। चल छोटा। सच्ची? छोटा कसम खा। चल काली। किसकी कसम? तेरी। कल को वादा मुकर जाए तो मैं ही मरूं। उन्हें नहीं ऐसी बात ना कर। जल्दी मार चुकी तू, अगर मैं घर तो पसा दे हैं?
टीवी पे काम करने देगा? हाँ। ऐसे कपड़े लेके देगा? आओ। गाना सिखाएगा? बिल्कुल सिखाऊंगा। पीरा बे पीरा। पक्का? ऐसा वैसा पक्का। मैं कह रहा हूँ, एक बार तो आजमा के देख ले, तेरे हर ख्वाहिश पूरी ना की ना, मेरा नाम आबद नहीं है, बता रहा तेरे एक बार मैंने कर आ जा पास। तो तू भेज अपनी अम्मा को मेरी तरफ। वो तो कोई बड़ी गाल नहीं है, बात तो मैं उनसे कर चुका हूँ, जल्दी आ जाएंगे तेरे पास, फिर तो मुकरी ना। की कह रही है बता ना। पागल वहां पसंद है ना जी साहब है। किन्ना को पसंद है? बहुत पसंद है। ले जा फिर। सच्ची? सच्ची। ले जा। ले जा। ले जा। है भी ले ले। ये सारे पसंद है ना तुझे? है। तो सब ले जा। सारी दुकान दे रही है। पक्का? ले जा। तो फौजी तुझसे चंगे नहीं है। फौजिया शर्म कर, ये कहां से लाई है? सारे घर वालों को बताना जरूरी है। तुझे शर्म नहीं आती? कैसी कैसी तस्वीरें देख रही है? इस पे शर्म वाली क्या बात है? उनके कपड़े देख कितने खूबसूरत है, उसकी कमर देख इतनी सी है, लगता कुछ खाती नहीं है। किसी में शर्म नहीं आती? इतने जहान के आगे अपने जिस्म और कमर की नुमाइश कर रही है। वो तो ये देख इसके लिए मेहनत कितनी करती है वो, और हमें देख, अल्लाह ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, बेड़े गर्क कर लिए। खुद को देखा तूने? शादी से पहले कितनी हसीन थी तू, पर अब देख उस मुच्छड़ ने तुझे मार मार के तेरा दुम्बा बना दिया। किसी मॉडल से कम तो नहीं है, देख शीशे में मार मार के तेरा ये हाल कर दिया। हाँ कहती तो तू सही है, क्या मिला मुझे? जुतियां, ठोकरें, गालियां। मैं तो तुझे अभी भी कहती हूँ अपना ख्याल रखा कर। देख तू अपना ख्याल ही ना रखेगी तो कोई तेरा ख्याल ही रखेगा। तू खा कसम आज के बाद ना तू बंद सबर के रहेगी। वो लिपस्टिक लगा, अच्छे कपड़े पहन, ये तेरे मुच्छड़ है ना तेरे आगे पीछे से दुम दिलाता हुआ आएगा। कोई नहीं खुश होता वो। तो फिर छोड़ दे। हाई तौबा फर तौबा, कैसी बातें करती, पागल कहीं की। चल तफा ना, इसमें तौबा ली क्या बात है? वैसे मैं तेरी जगह होती ना कब का छोड़ के भाग चुकी होती। चबल जगह थी, तौबा पेंडू। पर तेरा भी कसूर नहीं है, तुझे भी ना मार खाने की आदत हो गई है। जब रात को तुझे फेंटा ना लगाए तो तुझे नींद ही नहीं आती। सारी पिंड की औरतों की आदत हो गई है। मैं तो बनूंगी मॉडल, कितना खूबसूरत। ओए नाजी, नाजिया। ओए दिल चाहता है सारे ले लूं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बहन, ठीक है? हाँ ठीक, आ जा बैठ, चादर लेकर आती हूँ।
मेरे पुत्र की ना वो पीछे दुकान है ना मेकअप वाली, हाँ वो मेरे पुत्र की है, अच्छा, आबद अच्छा, की अच्छा। और मेरा बड़ा पुत्र जो है ना वो दुबई में होता है, अच्छा वो आबद भी वही था, बस 2 महीने पहले ही वापस आया। अच्छा बहन, पर ये सब तू मुझे क्यों बता रही है, मैं पानी लाती हूँ। असल में ना वो मेरे पुत्र आबद ने ना तेरी बेटी के रिश्ते के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बेटी के रिश्ते के लिए? पर वो तो बहुत छोटी है अभी बहन। ये फौजिया? नहीं नहीं, फौजिया की तो मंगनी हो गई, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मेरा पुत्र पिंड च सब तो सोना है, ते पिंड की सारी कुड़ियां उस पे मरती, तो मेरा पुत्र चाहता है। ओ बस बहन, जबान दी है मैंने, और तुम जानती हो जबान देना क्या होता है। और वैसे भी अगर पहले तुम बात करती ना तो हम अपनी खुशनसीबी समझते, पर अब तो हम शादी की तैयारियों में है बहन। देख, मेरे पुत्र ने मुझे कहा है कि तेरी बेटी ने उसको कहा है रिश्ता लेके आओ, इसीलिए मैं आई हूँ। देखे ना बहन, तुझे शर्म नहीं आती मेरी बेटी का नाम लेते हुए? शर्म मुझे आनी चाहिए शर्म? और तेरी ती को शर्म नहीं आती जो गैर मर्दों पे डोरे डालती है? खबरदार, मेरी बेटी का नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। हाँ हाँ हाँ, मेरा मुंह तोड़ देगी, मोहल्ले को क्या कहेगी, सारा मोहल्ला उसका नाम ले रहा है, मेरा मुंह तोड़ देगी। जा जा, मोहल्ले को देख लूंगी मैं। हाँ, किस किस का मुंह तोड़ेगी तू? बड़ी आई पता नहीं। और मैं कह रही हूँ जा तू, चल बड़ी आई रिश्ता लेके। कमाल हो गए, हद हो गई, सोलह मुंडा भी ना हो यार, कुड़ी पीछे पै जा, अपने मुंडे का रिश्ता लब किधरे हो जाके। सोलह मुंडा की पैदा कर लिया, मुसीबत ही पै गई। और सारियां मावां नु अपने पुत्र सोने ही लग दे। हां मेरा तो है ही सोलह, हद हो गई। आई रिश्ता लेके अम्मा, अम्मा इतने गुस्से में क्यों है, होया की? पानी पिला। हद हो गई, बंदा पूछ ही लेंदा है ना, बगैर पूछे ही भेजता। कमाल हो गई, पता है नहीं गल का, भेज दिया मुझे। हेले पूछ तो लिया होता उसे कि उसने तुझसे ब्याह करना है या नहीं, तुझे पता है इस हफ्ते उसका ब्याह है। की मतलब? की मतलब? उसकी माँ ने रज के मेरी बेइज्जती की, मुझे घर से निकाल दिया। एडी लड़ाकी बदतमीज औरत, ऐसी माँ है तो बेटी भी ऐसी होगी। मब अच्छा हुआ नहीं हुई शादी। ए दास, उन लोगों ने कहा कि वो कहना क्या था, वो अगले हफ्ते जमे को उसकी शादी है। वो भी कमाल है वैसे। ले तो तू दसिया क्यों नहीं कि रिश्ता क्यों लेके गई थी? देख आबद, इस बात को मैं भूल गई हूँ, तू भी भूल जा। कि मैं भूल जावा? क्या ना भूल जा। मैं ही भूल जावा। देख रही मियाँ, जितनी जल्दी हो सके ना इसे घर से रुखसत कर दे, ऐसा ना हो कि कोई नया तमाशा खड़ा कर दे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ अम्मा, और रस्म करने आ रहे हैं ना, कर देते हैं। उनसे कह दे कि जितनी जल्दी हो सके इसकी डोली उठा कर ले जाए, और ये भी कहना कि पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके रिश्ते आ रहे। तू फिक्र ना कर, मैंने असमा से बात की है, अपनी माँ से बात करेगी। मैं तो खुद ये कहता हूँ इसकी रुखसती कर देते हैं। ये जो तू कर रही है ना अम्मा, ये ठीक नहीं है। और जो तू कर रही है वो ठीक कर रही है, है?
पता नहीं किस लफंगे से दोस्ती है जिसने अपना रिश्ता भेजा था, और बेशर्मे अब तेरा रिश्ता तय कर दिया, जान से मौत डालूंगी तुझे। तुझे जो करना है ना अम्मा तू कर ले, मैं तो वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, ये शादी नहीं मैं करूंगी। तू जाके ये सारी बातें ना अपने बाप को बता। अब्बा से तो मैं बात करूंगी, तू जो भाई और भाभी के साथ मिलकर साजिशें करी ना ये ठीक नहीं है। ओ मरण जोगी है, साजिशें नहीं कर रही मैं, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ये बात दुआएं दिल खोल के बात दुआएं दे, मैनू की फर्क पैंदा है, मैं तो करके रहूंगी जो मेरा दिल चाहता है। मेरी मारी ना मुनी ध्यान से आई। ओए ओए तुम दोनों की भाभी आ रही है। चवल जा यहाँ क्या कर। ओए आजा आजा आजा। ओके बॉस। ओए आज तो इसको जहर करानी। मुनी इधर उधर ना देखिया, चुप करके आ जा। ओए सोनिया ओए आजा, आज तुझे शहर घुमाता हूँ। ओए अब तो तेरी मेरी शादी होने वाली है ना। दिमाग तो ठीक है तेरा, लगता अपनी औकात भूल गया तू। ओए मैं अपने औकात नहीं भूला, वो मैंने तो सिर्फ 2-3 किलो वजन ज्यादा किया है, पर लगता है कि तू अपने औकात भूल गई है। मैं रास्ते के कुत्तों का ना मुंह नहीं लगाती। ठहर जा मुन्नी, सही कहा था मैंने, औकात भूल गया तू अपनी। ओए फौजिया बतूल नाम है मेरा, ऐसे पिंड में मिठाई बांट देने से तय नहीं हो जाता मैं तेरी बीवी हूँ। आइंदा हाथ लगाने की कोशिश की ना तो याद रखी, बड़ा आया तू सोने दा पुत्र। ओए काश मैं तेरे से मोहब्बत ना करता तो फिर देखती तू। बाजी बाजी उठ जा। क्यों है? अभी अभी अम्मा अब्बा की बातें सुनकर आई हूँ। ठीक कह रहे ना? अम्मा अब्बा कह रहे इसी जुम्मे तेरी रस्म नहीं निकाह होगा। मैं रस्मों की जंजीरों से बागी, और सपनों की ताबीरों से जागी हूँ, क्यों अपनों से बेगानी मैं लागी। कर दे इश्क फकीर वैसी नाची। क्या बात है, मुझे तो परेशान लग रही है। नहीं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन दुखी जरूर हूँ। अम्मा अब्बा ने इस जुम्मे मेरा निकाह रख दिया, एक बार भी नहीं पूछा मुझसे। ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। फौजिया तो जानती है यार, हमारे घरों में बेटियों को बताया जाता है, उनसे पूछा नहीं जाता। तू देखी मैं सब बदल दूंगी, पछताएंगे सारे। अल्लाह का वास्ता है तुझे फौजिया, कुछ ऐसा ना करी जिससे सबकी बदनामी हो। क्यों ना करूं और कैसे ना करूं, मेरी मर्जी के बगैर शादी कैसे कर सकते मेरी? तेरी मर्जी है क्या, तूने बताया उन्हें? यार यही तो मुश्किल है, आबिद ने भेजा था अपनी माँ को मेरे घर रिश्ते के लिए, मेरे कहने पे मेरी माँ ने बेइज्जती करके निकाल दिया। अब कहता है कि मैंने तो भेजा है माँ को, तेरे घर वालों ने बेइज्जती की है, वो तो नहीं दोबारा आएगी। मेरा तो तुझे यही मशवरा है, जहाँ तेरे माँ बाप कहते हैं ना बस तू वहाँ शादी कर ले। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता सिली। मैं ना आबिद के साथ भाग के शादी कर, तू देखी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा, इतनी बड़ी बड़ी बातें तू कैसे इतनी आसानी से कह जाती है? मैं इतनी आसानी से कर भी जाऊंगी, देखी सर पकड़ के रोएंगे सारे।
बकवास ना करो, मैं तेनू कैसे इना नीचा शादी ना करी, तू मेरी एक नहीं बनी। Pira, 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 pira